बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म लोकोमोशन इन पैरामीशियम को डिस्कस करना है। लोकोमोशन इन पैरामीशियम, अच्छा पैरामीशियम की अगर हम बात करें तो ये किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं, ये लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस करते हैं। लेकिन यहाँ ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन थोड़ा सा डिफरेंट है। जुगलेना में हमने कहा था कि फ्लेजेला के जरिए से मूवमेंट होती है, तो यहाँ जिस ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन के जरिए से मूवमेंट हो रही है उसका नाम है सीलिया। तो इस वजह से पैरामीशियम लोकोमोशन चूँकि सीलिया के ज़रिए से करता है तो इस वजह से इसको सीलरी लोकोमोशन भी कहा जाता है। तो पैरामीशियम मूव विद द हेल्प ऑफ सीलिया, दिस इज कॉल्ड एज सीलरी मूवमेंट, इसको सीलरी मूवमेंट भी कहा जाता है। अच्छा फ्लेजेला और सीलिया में थोड़ा सा जो डिफरेंस अगर हम करें तो फ्लेजेला का जो साइज़ होता है वो बहुत बड़ा होता है, सीलिया का साइज़ होता है बहुत छोटा होता है। आमतौर पर फ्लेजेला की तादाद कम होती है, लेकिन हम सीलिया की बात करें तो ये हज़ारों में इसकी तादाद होती है। तो ये दो ज़्यादातर ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन ऐसे हैं जो मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म में लोकोमोशन का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ख़ास तौर पे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म काफ़ी सारे हैं जो सीलिया और फ्लेजेला को आमतौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इस वजह से जिस वक्त हम सीलिया को ड्रा करते हैं तो पूरी आमतौर पर जब सीलिया ड्रा होते हैं तो पूरी सरफस को कवर किए होते हैं। थाउजेंड ऑफ सीलिया आर प्रेजेंट ऑन द सरफस ऑफ पैरामीशियम। जब हज़ारों की तादाद में है तो जब हज़ारों की तादाद में चीज़ हो तो फिर उसको मैनेज करना थोड़ा सा क्या होता है, मुश्किल होता है। तो इस वजह से पैरामीशियम ने एक काम किया है कि बजाय सारे सीलिया को इकट्ठा काम करवाने के उसने क्या किया, इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पार्ट्स में क्या है कि पहले थोड़े फ्रंट वाले सीलिया थोड़े से वर्किंग में आएंगे, उसके बाद फिर उससे अगला पोर्शन, फिर उससे अगला पोर्शन, फिर उससे अगला पोर्शन, फिर उससे अगला पोर्शन, ऐसे। यानी यहाँ ये जो बात लिखी ना, ऑल द सीलिया डू नॉट मूव साइमल्टेनियसली, कि सारे सीलिया से एक ही वक्त में काम नहीं लिया जाता है। बंच ऑफ सीलिया, सीलिया का एक गुच्छा मूव, वो एक वक्त में काम करता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो वर्किंग की वेव है वो पीछे की तरफ जाती है, प्रोग्रेसिव इन वेव लाइक मैनर। वेव लाइक मैनर से क्या मुराद है कि जैसे हमारे पास ये सीलिया है, ये सीलिया है, तो सबसे पहले ये वाला जो पोर्शन है इसमें इस तरह बेंडिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये पोर्शन क्या रहता है, खड़ा रहता है। तो अगर आप देखें तो ये एक वेव की तरह का स्ट्रक्चर बन गया। उसके बाद फिर ये वाला जो पोर्शन है, जो पीछे वाला पोर्शन, स्ट्रेट हो जाएगा। फिर अगला पोर्शन क्या करेगा, बेंड करेगा। उससे अगला क्या रहेगा, स्ट्रेट रहेगा। तो अगर आप देखें यहाँ भी एक वेव की तरह की, उसके बाद फिर अगला जो पोर्शन है वो बेंड करेगा और जो पिछला पोर्शन है वो दोबारा अपनी वापस पोजीशन पे आ जाएगा, स्ट्रेट रहेगा। यानी आप ये समझ लें कि जब सीलिया मूव करते हैं या सीलिया वर्किंग करते हैं तो सीलिया सारे इकट्ठे वर्किंग में नहीं आते, बल्कि सीलिया का एक ग्रुप एक वक्त में वर्किंग में आ रहा होता है और पीछे फिर ये वेव की शक्ल में ये मूव करता है। और वेव हमेशा एंटीरियर एंड से स्टार्ट होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो वेव है पोस्टीरियर एंड की तरफ जा रही होती है, ऐसे पोस्टीरियर एंड की तरफ जाती है। तो ये सीलरी वेव, इसको हम कह सकते हैं कि जब भी सीलिया की बीटिंग होगी उसमें एक छोटा सा पोर्शन सीलिया का, सीलियास का, वो आमतौर पे वर्किंग में आता है और बाकी सारे उस वक्त रेस्ट कंडीशन में होते हैं और वो जो वर्किंग है वो आहिस्ता 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 वेव की शक्ल में बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। अच्छा उसके बाद सीलिया, सीलिया बेसिकली हैं क्या? अगर सीलिया का हम स्ट्रक्चर ड्रा करें, जैसे ये ऑर्गेनिज्म हमने ड्रा किया, अब हम सिर्फ छोटा सा पोर्शन ले लेते हैं, जैसे पैरामीशियम के एक छोटा सा पोर्शन जहाँ सीलिया मौजूद है, इसको अगर हम जूम करके देखें एक सीलिया को, तो बेसिकली जो सेल मेम्ब्रेन है ये सेल मेम्ब्रेन बाहर की तरफ इस तरह लिपटी होती है, बाहर की तरफ आई होती है, तो सेल मेम्ब्रेन। तो इस वजह से अगर हम इसको एंड से स्टार्ट करें, इट इज़ द सेल मेम्ब्रेन एक्सटेंशन, और ये एक्सटेंशन फिर बाहर निकल के छोटे छोटे धागों की तरह हमें नज़र आ रही होती है। तो बेसिकली सेल मेम्ब्रेन बाहर की तरफ निकली होती है, तो सीलिया सेल मेम्ब्रेन एक्सटेंशन है। और हमें कैसे नज़र आते हैं, शॉर्ट फाइन थ्रेड, एक बारीक से धागे की तरह नज़र, छोटे से बारीक से धागे की तरह नज़र आते हैं। तो ये सीलिया की डेफिनेशन है। आगे इनके साइज़ के बाद फिर हम इनका स्ट्रक्चर भी देखेंगे, पहले साइज़ की हम बात कर लेते हैं। अगर हम लेंथ की, तो मैनी माइक्रोन से मैनी हंड्रेड माइक्रोन तक इनकी लेंथ होती है, डायमीटर 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर होता है। अगेन ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से आप लोग याद रखेंगे एमसीक्यूज के हवाले से।
जी, अब थोड़ा सा ना स्ट्रक्चर की तरफ आ जाए। जैसे अभी हमने बात की कि सेल मेम्ब्रेन एक्सटेंशन है, कि सेल मेम्ब्रेन बाहर की तरफ लिपटी, बाहर की तरफ आई होती। अब इस ये अंदर से खाली नहीं होती, बल्कि इसके अंदर काफ़ी सारे छोटे छोटी माइक्रो ट्यूब्यूल्स होती हैं। यानी ये इसमें अगर हम देखें तो छोटी छोटी माइक्रो ट्यूब्यूल्स होती हैं और वो लॉन्गिट्यूडिनली अरेंज होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल अलॉन्ग द लेंथ अरेंज होती। अगर ये इस तरह अरेंज होती तो इसको हम कहते हैं ये ट्रांसवर्स अरेंजमेंट है। इसको क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स अरेंजमेंट। लेकिन ये अलॉन्ग द लेंथ अरेंज है, ये लेंथ इसकी है, तो ये लेंथ वाइज अरेंज है, तो ये हम कहेंगे ये लॉन्गिट्यूडिनली अरेंज है। तो सबसे पहले तो आप ये याद रखने हैं कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर, सेल मेम्ब्रेन कवरिंग बनाती है और उसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स या मायोफिब्रल्स अरेंज होते हैं। तो ये बात पहले, अब अरेंजमेंट की बात कर लेते हैं। रन लॉन्गिट्यूडिनली, तो अलॉन्ग द लेंथ अरेंज होते हैं। थ्रू सीलियम, पूरे सीलियम के अंदर बिखरे होते हैं। एंड कवर्ड बाई द सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन ने इनको क्या किया होता है? कवर किया होता है। उसके बाद अगर इसको यहाँ से कट लगा दें, ऐसे कट लगा के इसको ऊपर से देखें, जैसे ये मार्कर है तो ये साइड से किसी और तरह नज़र आएगा, लेकिन आप फ्रंट ऊपर से देखेंगे किसी और तरह से नज़र आएगा। तो ये वाला जो हमें ऊपर से नज़र आता है उसको हमने यहाँ ड्रा कर दिया। अब यहाँ अरेंजमेंट आप लोगों ने देखनी है स्ट्रक्चर के हवाले से। तो जब हम इसको ऊपर से देखते हैं, यानी इसका डायमीटर देखते हैं पूरे सीलिया का, तो हमें 9 पेरिफेरल डबल फिब्रल्स नज़र आते हैं। 9 पेरिफेरल डबल फिब्रल्स से क्या मुराद है कि पेरिफेरल किनारों को कहा जाता है, तादाद 9 होगी और डबल फिब्रल्स होंगे, यानी एक के अंदर हमेशा 2 होंगे। इनको डबल इस वजह से कहा गया है क्योंकि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, यानी फ्यूज्ड होते हैं। एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? फ्यूज होते हैं, जैसे लगते हैं एक स्ट्रक्चर है। हालांकि ये दोनों अलहदा अलहदा हैं, ये जितने भी हमारे पास फिब्रल्स हैं ये दोनों अलहदा अलहदा हैं, लेकिन चूंकि एक ही साथ, एक के साथ दोनों फ्यूज होते हैं, इस वजह से हम इसको डबल फिब्रल्स मेंशन कर लेते हैं। यानी अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि हमारे पास पेरिफेरल फिब्रल्स कितने हैं तो आपने कहना है 18, लेकिन अगर हम डबल फिब्रल्स की बात करेंगे तो वो 9 है। और ये हर डबल फिब्रल 8 का जो फिगर बना रहे होते हैं, 8 शेप स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, ये नज़र इसी तरह आते। लेकिन 2 सेंट्रल फिब्रल दरमियान में अनफ्यूज होते हैं, वो अलहदा अलहदा आते हैं, इस वजह से 2 सेंट्रल, ये डबल नहीं होते, ये डबल नहीं होते, बल्कि चूँकि अलहदा अलहदा नज़र आते हैं, ये अनफ्यूज होते हैं, इस वजह से इनको हम सेपरेटली मैंशन कर रहे होते हैं। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव काफ़ी मुश्किल बन सकता है। टोटल अगर डबल फिब्रल्स की बात करें जो पेरिफेरल किनारों, पेरिफेरल का मतलब किनारों पे होते हैं, किनारों पे हमारे पास वैसे 18 होते हैं, लेकिन चूंकि पेयर की शक्ल में होते हैं इस वजह से हम 9 की बात कर रहे होते हैं। सेंट्रल में सिर्फ 2 ही होते हैं, वो डबल की शक्ल में नहीं होते, वो सिंगल सिंगल की शक्ल में होते हैं। तो अरेंजमेंट की बात होगी कि जितने भी ये फिब्रल्स हैं वो लॉन्गिट्यूडिनली अरेंज होंगे और ऊपर जो सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन बाहर निकली थी उसने इनको कवर किया होता है। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट, अब सीलिया मूव कैसे करवाता है, इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म तो बुक वाले ने लिखा कि इट इज़ स्टिल अननोन, लेकिन एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है ब्रैडफोर्ड, उसने 1955 के अंदर ये सजेस्ट किया दैट मूवमेंट ऑफ सीलिया इज ड्यू टू साइमल्टेनियस कॉन्ट्रेक्शन और स्लाइडिंग ऑफ डबल फिब्रल्स इन 2 ग्रुप्स। तो ये जो साइडों वाले हमारे पास हैं, ये इनकी जब स्लाइडिंग होती है, ठीक है, स्लाइडिंग से मुराद ये कि ये स्लाइड करते हैं, जैसे हमने ये इस तरह स्लाइड करेंगे, ये इस तरह स्लाइडिंग करेंगे, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडिनली क्या होते हैं? अरेंज होते हैं, ये इस तरह स्लाइडिंग करेंगे। तो इसका मतलब ये है, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडिनली अरेंज होते हैं, तो दोबारा समझ लें कि ये इस तरह स्लाइडिंग करेंगे, और ये स्लाइडिंग 2 ग्रुप्स में हो रही होती है। यहाँ स्लाइडिंग का वर्ड इस वजह से इस्तेमाल के, और स्लाइडिंग या कॉन्ट्रेक्शन, क्योंकि हमने स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल डिस्कस किया था कि जब मायोफिब्रल्स की स्लाइडिंग होती है तो उस वक्त क्या प्रोड्यूस होती है? कॉन्ट्रेक्शन होती है। तो यहाँ भी इसी तरह 9 है टोटल जो साइडों पे। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है कि डबल फिब्रल्स की स्लाइडिंग, डबल फिब्रल्स कौन से हैं? जो किनारों पे हैं, जो किनारों पर मौजूद हैं। तो डबल फिब्रल्स हमेशा 2 ग्रुप के अंदर स्लाइडिंग कर रहे होते हैं, और जब
और आफ्टर वन अनदर, पहले एक ग्रुप, टोटल हमारे पास 9 है, पहले एक ग्रुप स्लाइडिंग करेगा फिर दूसरा ग्रुप, तो एक ग्रुप का जो रिजल्ट है दूसरा ग्रुप उसको क्या कर रहा होता है, रिवर्स कर रहा होता है। यानी यहाँ भी एंटागोनिज्म का फिनोमिनन है, जो हमने मसल्स के बारे में पढ़ा था कि एक मसल का जो एक्शन है वो दूसरे मसल क्या कर रहा होता है, उसको रिवर्स कर रहा होता है। तो यहाँ भी आप कह सकते हैं कि 5 जो काम करेंगे अगले जो 4 हैं वो उसको रिवर्स कर रहे होंगे, जो 2 ग्रुप काम करें। तो इफ़ेक्टिव स्ट्रोक में क्या होगा, जैसे एक हमारे पास सीलिया सीधा है, ये एक्शन कब प्रोड्यूस करेगा, जब ये पानी को इस तरफ पीछे पुश करेगा, बेंड करेगा, ये एक्शन है इसका, यानी पीछे की तरफ आना, ये बेंडिंग है, ठीक है। तो इस वजह से चूंकि जब पानी को पीछे पुश करेगा तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिज्म क्या जाएगा, आगे की तरफ। तो ये इस वजह से इसको इफेक्टिव स्ट्रोक कहा जाता है, क्योंकि ये काम जब होता है तो पानी के ऊपर प्रेशर लगता है। तो ये काम कैसे होगा, टोटल हमारे पास 9 डबल फिब्रिल हैं जो साइडों पर हैं, उनमें से जब 5 स्लाइड करते हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि इतना जो ग्रुप है, जब ये वाले फिब्रिल स्लाइड करेंगे 5 आउट ऑफ 9 विद द रिजल्ट सीलिया बेंड करेगा, और सीलिया की बैंड, इसको हम कहते हैं जब सीलिया की बैंडिंग होगी इट इज़ कॉल्ड एज इफेक्टिव स्ट्रोक, इसको इफेक्टिव स्ट्रोक कहा जाएगा। दूसरा हमारे पास है रिकवरी स्ट्रोक, जो 5 ओवर 9 है, अब ये क्या करेंगे, ये दोबारा अपने रिलैक्स पोजीशन में आएंगे, अब ये बैंड करेंगे, तो जब ये बैंड करते हैं तो सीलिया स्ट्रेट हो जाते हैं। यानी इफेक्टिव स्ट्रोक में 5 ने जब स्लाइड किया तो सीलिया इस तरह बैंड हो गया, और जब बाकी जो 4 हैं 9 में से, जब वो कॉन्ट्रैक्ट या स्लाइड करेंगे तो सीलिया रिलैक्स हो जाए, यानी स्ट्रेट पोजीशन में आ जाए। अब बेंडिंग स्ट्रेट, तो ये चप्पू की तरह काम करेगा, पानी को पीछे की तरफ धकेलेगा। तो रिकवरी का मतलब क्या है कि सीलिया की जो पहली पोजीशन थी उसके ऊपर वापस लेके आना, ये रिकवरी हो गई। तो रिकवरी स्ट्रोक 4 आउट ऑफ 9 डबल फिब्रल कॉन्टैक्ट, तो सीलिया बिकम स्ट्रेट। तो जब सीलिया बैंड करेगा स्ट्रेट होगा, तो सीलिया की वजह से ऑर्गेनिज्म स्विमिंग करेंगे। तो एज ए रिजल्ट ऑफ बैंडिंग एंड रिकवरी स्ट्रोक पैरामीशियम स्विम अगेंस्ट वाटर एनर्जी सोर्स। ये जो सीलिया है इनके साथ जितने भी फिब्रल्स हैं इनके साथ एक एंजाइम लगा होता है जिसका नाम है ATPase। वो एंजाइम क्या करता है, ATP को स्प्लिट करता है, और इससे जो एनर्जी निकलती है वो फिर स्लाइडिंग के लिए प्रोवाइड करता है। यानी स्लाइडिंग के लिए जो एनर्जी आई है वो ATPase ने प्रोवाइड की है। तो एनर्जी सोर्स ATP ही है, जितने भी मसल कॉन्ट्रैक्शन में हमने डिस्कस किया था वहाँ जो एनर्जी आ रही थी वो ATPase से ही आ रही थी, तो यहाँ भी ATPase से एनर्जी आती है। तो एक एंजाइम जिसका नाम ATPase है वो सीलिया में मौजूद होता है और ATP को तोड़ के उससे एनर्जी निकाल रहे होते हैं। अच्छा, ये बात समझनी है कि जितने भी सीलिया वो कोऑर्डिनेटेड वे में काम करेंगे। कोऑर्डिनेटेड वे से क्या मुराद है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये 2 सीलिया हैं, एक अगर इधर पुश करे पानी को, एक इधर पुश करे, तो कभी भी मूवमेंट सही नहीं होगा। कोऑर्डिनेशन से क्या मुराद है, अगर ये बेंड करता है तो ये भी उसी डायरेक्शन में बेंड करे, तो इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। तो जितने भी सीलिया वर्किंग में होते हैं वो हमेशा ऑर्गेनिज्म को एक ही डायरेक्शन में मूव करवाते हैं, क्योंकि उनमें कोऑर्डिनेशन होती है। अब हज़ारों की तादाद में, मैंने कहा था ना शुरू में कि हज़ारों की तादाद में चीज़ होने का यानी ज़्यादा इफेक्ट क्या होता है कि काम करना मुश्किल होता है, लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन में वो काम कर रहे हो तो फिर काम थोड़ा सा और आसान हो जाता है। तो ये सारे कोऑर्डिनेटेड वे में, अगर ऑर्गेनिज्म आगे जाना चाहते हैं तो वो पानी को क्या करेंगे, पीछे की तरफ पुश करेंगे, अगर ऑर्गेनिज्म पीछे जाना चाहते हैं वो पानी को आगे की तरफ पुश करेंगे। यानी इनके अंदर कोऑर्डिनेशन इस अंदाज में होगी कि ऑर्गेनिज्म जिस डायरेक्शन में जाना चाहता है सीलिया उनको उसी डायरेक्शन में, सारे सीलिया उसी डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए वर्किंग करेंगे। तो इसको हम कहेंगे कि एक्शन ऑफ सीलिया कोऑर्डिनेटेड है, सीलिया बीट टुगेदर, सीलिया इकट्ठे काम करते हैं, लेकिन एक तरतीब से। तरतीब से मुराद ये है, जैसे हमने यहाँ डिस्कस किया था कि पहले एक पोर्शन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। ये नहीं होगा कि कुछ सीलिया फ्रंट से, कुछ बैक से, कुछ मिडल से बैंड कर रहे हैं या शॉर्ट हो रहे हैं, तरतीब से काम होगा, पहले एंटीरियर, फिर पोस्टी मिडल, फिर उसके बाद बैकवर्ड। तो ये तरतीब से काम हो रहा होते हैं। तो इस वजह से यहाँ सीक्वेंस का वर्ड लिखा गया, टू प्रोपेल द ऑर्गेनिज्म इन वन डायरेक्शन। वन डायरेक्शन से मुराद है किसी डायरेक्शन में, वो फॉरवर्ड जाना चाहता है, वो बैकवर्ड जाना चाहता है, वो टर्न होना चाहता है। तो सारी मूवमेंट के लिए जो सीलिया है वो हमेशा कोऑर्डिनेटेड वे के अंदर काम करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और 12 दफ़ा ये बोर्ड के पेपर में आया है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।